कहूं अगर ये सुनो ए खलीफा, यही काम है मुझे, इसके अलावा कोई काम भी नहीं आता, सिर्फ डिबेट कराता हूं मैं तुमसे, कह रहा हूं मैं। हाँ जी, कुछ कहना चाहती हैं आप? मैं आ रहा हूं दादा। दादा हाँ, कुछ कहना चाहती हूँ। तीनों मूली जीत बेटा ही बोला, हमारे दीदी जीतते। बांग्ला निजेर में एक ही चाय, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद। अच्छा अच्छा, घोष बाबू बंगाली नहीं क्या? बंगाली हले दीदी, हमारे माँ ममता दी छाड़ा हमारा बांग्ला का चाहिए ना। नाउ नाउ सही, मैं आ रहा हूँ कांग्रेस के पास आता हूँ जी। देखिए हाँ जी, ममता दीदी माँ है हाँ। और ये वोट चुनाव के पहले, चुनाव के पहले द्वार में सरकार ले आना पड़ा, वोट के पहले पहले द्वार में सरकार ये लाना पड़ा हाँ। किस लिए? 10-12 साल ज्यादा नहीं था कि उन्नयन के लिए, वो नहीं कर तब पैर नहीं टूटा, हाथ नहीं टूटा, अभी चुनाव हुआ पैर टूट गया सिंपैथी वोट पाने के लिए। अरे छोड़ो दादा, अब चोट लग गई है तो प्रमाण करना चाहिए ना, प्रमाण नहीं है। फर्स्ट डे बोला जो हम लोग को 4-5 आदमी आके ठोस दिया वो रिपोर्ट, सेकेंड डे बोला जो ना ये दुर्घटना है, वो क्या बोलना चाहते हैं? वो सही तो बताए, माँ का भी झूठ बोलना चाहते हैं क्या? राइट 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 राइट, मैंने आपका देख लिया। इस चुनाव में राइट सर, भाजपा हो चाहे तृणमूल हो, ये जो स्लोगन चल रहा है खेला होबे खेला होबे खेला होबे, और इसका विकल्प स्लोगन हम सुन रहा है कि एक छोबोले ही छोबी, ये क्या हो रहा है बंगाल में? कोई गरीब आदमी को बात, डेवलपमेंट को बात, बेकार आदमी को नौकरी, हाथ पर काम, एक कोई नारा नहीं सुन पाता है। एक बोलता है कि खेला होबे, एक बोलता है कि एक छोबल में छोबी हो जाएगा, ये कोई पॉलिटिक्स। चक्रवर्ती साहब, मैं पक्का यहाँ से उठा दूंगा आपको, यहाँ से चुपचाप रहो। आप हर स्टेट में इलेक्शन कवर करता है, कभी ऐसा स्लोगन सुना है? अब सुना कभी? अब बोलिए ना, आप सुना? हम सवाल करते हैं, आप सुना कभी? तो बढ़िया खेला चल रहा है, खेला हो गया, एक चौबल में चौबी। कौन सा खेला ये? क्या बात, कौन सा खेला ये? वो कौन सा खेला? मानुष के मारने को खेला, जो माफिया लोग है, गुंडा लोग है, उनका मारने का खेला, ये खेला हम नहीं देखना चाहते हैं बंगाल में। उन्होंने बोला आपके सामने कि कौन सा खेला, गुंडा वाला खेला, कौन सा खेला? गुंडागर्दी तो कोई अमित शाह जी से सीखे, और बंगाल में जो खेला होगा ये नाड़ा ने ये भेदभाव फैलाने वाला जय श्री राम को रोक दिया, क्योंकि बंगाल का जो भाषा है, बंगाल का जो डेवलपमेंट है, और हमारी जो आपने बोला कि जो भेदभाव फैलाने वाला स्लोगन है जय श्री राम का, श्री राम जो है भेदभाव फैलाने वाला है। यस, कैसे? क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और भारत की संविधान जो बोलते हैं, उस संविधान में बोलते हैं कि ना तो भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा है, और भारत में समान सब धर्मों को समान मर्यादा समान दर्जा दिया गया है। तो ये बीजेपी लोग तो ऐसा बोलते हैं, या ऐसा बोलते हैं कि जो भाषाएं अधिकृत की गई हैं, जिनको पहचान दी गई है, वो सबकी पहचान सुरक्षित करते हैं, ऐसा बोलते हैं? कैसा बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं या ऐसा बोलते हैं कि ये जो भाषा, ये जो जय श्री राम वाला, ये भेदभावपूर्ण वाला? हाँ, भेदभावपूर्ण वाला ही है, क्योंकि हम जब ये स्लोगन लेके ही गुजरात में गोधरा हुआ था, भूलना नहीं चाहिए, एक मुसलमान लड़की की पेट से उसके बच्चे को निकाल के जिंदा जला दिया गया था आरएसएस ने। राइट, नो 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 नो, ये खेलावे स्लोगन बोल के ममता बनर्जी ने कामधुनी बना दिया, यहाँ पर कामधुनी हुआ है, और जो यहाँ पर जो कंडोकरण हो रहा है, जो माफिया लोग खून कर रहा है, बीजेपी का 140 कार्यकर्ताओं को खून किया गया, ये कोई माँ का काम है क्या? मुख्यमंत्री का काम है ये क्या? बहरहाल ये नेताओं के बीच की बात, लेकिन जनता बड़ी चुपचाप, आखिर है क्या माजरा, यही है जानना। कैसी हैं आप? ममता बनर्जी जिंदाबाद। अच्छा, अरे आप उधर थे, आप इधर आ गए? अच्छा, क्या कहा?
काकू काकू ठहरो ठहरो जब मैं आ रहा हूँ। हाँ जी, बंगाल का धरती विभाजन का राजनीतिक पसंद नहीं करती है। हाँ। ये रविन्द्रनाथ टैगोर का धरती है। हाँ जी, यहाँ पर सांप्रदायिकता दल का कोई स्थान नहीं है। ये एक ऐसा राज्य है जहाँ पर हर धर्म के लोग हजारों वर्ष से रह रहे हैं लोग। यहाँ पर कभी भी सांप्रदायिक दंगा नहीं होती है बंगाल में। 1984 में भी श्रीमती इंदिरा गांधी का खून होने का बात आ रहा हूँ। इतनी बढ़िया बात होती कभी कभी सुन लिया करो। बंगाल में एक भी पंजाबियों को काटा नहीं गया था, जिस तरह दिल्ली में 3000 को शिक्षक पेटाए रास्ता फेले, डीए चाहले कुकुर बोले, बांग्ला चाय ना एमन में। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जे राज्य दादा, जे राज्य ते दुर्गा पूजार भाषणर জন্য আমাদের পারমিশন নিতে হয় সেরকম মুখ্যমন্ত্রী তো আমাদের দরকার নেই। জয় শ্রী রাম। যে রাজ্যতে ভাষণের দিনকে বলে ভাষণ মার করবো না, এটা কিসের কাজ?